तो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हमें ये सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि कैसे दोस्तों अभी सरकार ने एक न्यू अपडेट किया राशन कार्ड केवाईसी को, ई केवाईसी को लेकर। दोस्तों अभी सरकार ने बताया कि राशन कार्ड में ई केवाईसी करोगे तभी दोस्तों आपका राशन मिलेगा, नहीं तो अभी राशन कार्ड से नाम आपका रद्द हो जाएगा। दोस्तों अभी दूसरी पहले दोस्तों आप देख सकते हो कि राशन कार्ड में कुछ अपडेट आ गए हैं, जिसमें दोस्तों सरकार ने बताया कि आप राशन कार्ड में ई केवाईसी करो हर सदस्य की, तो आपको राशन मिलेगा, नहीं तो यहाँ से आपको राशन बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमें ये सीखने वाला है कि राशन कार्ड के ई केवाईसी कैसे करते हैं और कितने दिन तक आपको कितनी छूट मिली, आप कितने देर तक करे जाते हैं। यदि आप बाहर हो या आप कहीं बाहर हो इसलिए आपको राशन कार्ड करने ई केवाईसी करनी, तो कैसे आप कर सकते हैं वहां पर बैठे। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, वीडियो समझ आ जाएगा। वीडियो लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे ई केवाईसी करनी। तो दोस्तों आपको ताज़ा खबर आई है कि राशन कार्ड को ई केवाईसी करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना, 30 जून के बाद बंद हो जाएगा राशन कार्ड, तो आज ही करा ले जरूरी काम, नहीं अनाज नहीं मिलेगा। दोस्तों साफ साफ यहाँ बता दिया कि 30 जून के बाद आपका राशन कार्ड यहाँ पर बंद हो जाएगा, आपको पहले ही 30 जून से ही पहले ही आपको ई केवाईसी करनी है। दोस्तों पहले क्या था, 15 जून तक समय दिया था, अभी दोस्तों सरकार ने फिर से 15 दिन का और टाइम दिया, आपको 15 दिन के 30 जून तक आपको केवाईसी करनी है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं न्यूज में आया है, साफ साफ लिख दिया कि राशन कार्ड में दर्ज एक समय के ई केवाईसी निर्धारित कर दिया गया है, इसके लिए पहले 15 जून तक का समय दिया गया था। हालांकि पीडीएफ के अंदर द्वारा उमड़ती भीड़ को देखे हुए अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों को हर साल में निर्धारित समय पर अपना केवाईसी कराना होगा, नीचे स्कूल का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर राशन कार्ड के लिए बहुत बड़ी खबर है, ई केवाईसी कराने के लिए तारीख बढ़ा दी है, 30 मई तक ई केवाईसी करा सकेंगे। खाद्य उपयुक्त धनेशन विभाग की संशोधन करते हुए तिथि जारी कर दी है। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि अभी दोस्तों की सरकार ने पहले 15 जून तक तारीख आपको तारीख दी, अभी दोस्तों 30 तारीख कर दी, 30 जून तक दोस्तों अपने ई केवाईसी आप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ पहले 15 जून तक करना अनिवार्य था, इसी दौरान राशन कार्ड बनाने और सुधार कराने के लिए राशन केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ने लगी, क्योंकि आधार कार्ड सही होने पर ई केवाईसी कराया जाएगा। केंद्रों पर भीड़ उमड़ने के कारण आधार कार्ड में सुधार कराने में उपयोगिता को देरी होगी, इसकी देखते हुए 15 दिन का समय दिया गया। तो दोस्तों क्या हुआ कि अभी दोस्तों बहुत ही भीड़ है, क्योंकि बहुत लोग सारे यहाँ पर ई केवाईसी करने के चक्कर में बहुत सारी भीड़ हो रही, इसलिए दोस्तों सरकार ने यहाँ पर टाइम बढ़ा दिया, 15 दिन का और टाइम दिया। बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड सही नहीं है, वो ई केवाईसी बाद में होगी, जब तक आधार कार्ड सही होगा नाम सही नहीं है जब तक केवाईसी नहीं होगी, इसलिए लोग यहाँ पर आधार कार्ड पहले अपने राशन कार्ड को सही करवा रहे हैं, सही राशन कार्ड सही कराने के बाद ई केवाईसी होगी, इसलिए दोस्तों यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए सरकार ने यहाँ पर आपको 15 दिन का और टाइम दे दिया, 15 दिन का 30 जून तक दोस्तों आप लास्ट केवाईसी करा सकते हो। दोस्तों उसमें बता दिया कि दोस्तों बता दें कि राशन कार्ड अपने संबंधित एवं जन पन्ना भी दुकानों पर अगर आप पास के मशीन माध्यम से ई केवाईसी करा पाएंगे सभी उपयुक्त अनिवार्य है, अगर निर्धारित समय ई केवाईसी नहीं कराया तो उपयुक्तता से राशन कार्ड दिया जाएगा। दोस्तों बता दिया गया है दोस्तों 30 जून से पहले यदि आप यहाँ पर ई केवाईसी करा देते हो, 30 जून के बाद जब तुम दूसरा कि ई केवाईसी नहीं करे तो दोस्तों आपका राशन कार्ड से नाम यहाँ पर काट दिया जाएगा, आपको इसके बाद कभी भी राशन नहीं बनाएगा। दोस्तों आपको साफ साफ यहाँ बता दिया कि सरकार ने 30 जून तक ही आप ई केवाईसी करा सकते हो, 30 जून तक आपने ई केवाईसी नहीं की तो दोस्तों आपका शाम राशन कार्ड से आपका नाम काट दिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको कभी भी राशन नहीं मिलेगा, यहाँ पर बता दिया है। दोस्तों आप देख सकते हो कहा गया कि आधार सेंडिंग का खत्म हो गया है, विशेष रूप से अभियान सलाह का लक्ष्य जारी किया, बता दिया जिले में कुल राशन कार्ड धारियों में 44,28,129 जिसमें 40,46,000 राशन कार्ड बन चुका है, इसमें अनुसार पत्ती जा चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि आप 30 जून तक ई केवाईसी करा सकते हो, पहले 15 तारीख का, अभी 30 तारीख तक, 30 जून तक हो गया, अभी 30 जून तक दोस्तों आप लास्ट ई केवाईसी करा सकते हो। जो भी दोस्तों आप भी दोस्तों जो भी आप बाहर हो तो दोस्तों आप केवाईसी कर देनी। तो दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ बाहर पर गए हुए हैं, उसको पता नहीं है किस प्रकार से ई केवाईसी करनी है, तो दोस्तों आपको चेक करना कि ई केवाईसी हमें चेक कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन गूगल में जाना है, गूगल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च मारना राशन कार्ड ई केवाईसी, इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद दोस्तों पहले ही यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगी, इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको आधार कार्ड, यहाँ पर दोस्तों आपको राशन कार्ड नंबर डालना है, राशन कार्ड नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे आप सर्च करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपने केवाईसी करानी है या नहीं करानी, उसके बाद दोस्तों आपको इस प्रकार इंटरफेस सामने हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको ई केवाईसी करानी ही पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम घर बैठे अपने ऑनलाइन से ही फ़ोन से ही कर सकते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल ही गलत बात है, आप केवाईसी फ़ोन से नहीं कर सकते, आपको आप जहाँ पर दोस्तों राशन लेते हो वहीं केंद्र पर आपको जाना होगा और वहाँ पर दोस्तों आपको बायोमेट्रिक लेगा, आपकी फिंगर लेगा, उसी दोस्तों आपका राशन कार्ड आपको मिलेगा, नहीं तो दोस्तों आप घर बैठे यहाँ पर नहीं कर सकते हो, आपको घर गांव में ही जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको ई केवाईसी करानी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ से आप दोस्तों आप
चेक कर सकते हो कि मेरे ई केवाईसी कंप्लीट हुई या नहीं हुई। इसके ऊपर राशन कार्ड नंबर डालना, उसके बाद सर्च के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास आई डिटेल आ जाएगी, आप ई केवाईसी डन है या नहीं है तो यहाँ पर आपको बता दी जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से, तो आपको केवाईसी यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी केवाईसी जो भी है जो आप देख सकते हो, यहाँ से आप राशन कार्ड नंबर डाल के उसके बाद दोस्तों आपको पता होगा कि 30 जून तक यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि आप 30 जून तक ही आप यहाँ पर ई के वाई सी कर सकते हो। 30 जून के बाद अपना काम हो जाएगा, अपना नाम राशन कार्ड से कर दिया जाएगा, वहाँ पर था कोई भी यहाँ पर आपको राशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को सीखने को मिला, दोस्तों वीडियो कर दी लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब। आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं अगली वीडियो।